ये कश्मीर लाइव है। इस टाइम हम बराह रास्त गटीपुरा खान साहब बड़गाम से हैं, जहां पर एक दिलदोज वाकया सामने आया। दोपहर के करीब एक डेढ़ डेढ़ बजे के करीब ये वाकया पेश आया, जब गटीपुरा के एरिया में एक नौजवान जो बोरवेल उनके लॉन के पास में था, वो जिस पर जहां पर उनकी स्लिप हुई, और उसके बाद वहां पर और दो शख्स जो मुकामी शख्स थे उनको रेस्क्यू करने की कोशिश की, तो उस रेस्क्यू के दौरान वो दो शख्स भी इस बोरवेल कुएं में जो है गिर गए। अभी तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कंटिन्यू है। यहाँ पर अगर हम देखें एक मातम सा छाया हुआ है हरसों इस इलाके में। एसडीआरएफ की टीम्स जो हम देख सकते हैं नीचे, एसडीआरएफ कश्मीर पुलिस और वहां पर इस टाइम पे मौजूद है। लेकिन अगर हम रेस्क्यू की बात करें, रेस्क्यू के एतबार से अभी तक ऐसी कोई सक्सेस रेट सामने नहीं आ रही है। ये जैसे मनाजर आप देख सकते हैं बराह रास्त कश्मीर लाइव पे, ये मनाजर सीधे गटीपुरा बड़गाम एरिया से हम खान साहब से, एक हरसों जो इस इलाके में मातम छाया हुआ है, लोग परेशान है इस चीज को लेकर, आखिर ये वाकया कैसे पेश आया। एक हर जगह मातम छाया हुआ है, हर किसी के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। यहाँ पर ये कोहराम है, मैं आपको बता दूं वाजह रहे, इससे पहले करालपुरा कुपवाड़ा की आज अगर हम बात करें, अभी हम जैसे बड़गाम की बात करें, कुपवाड़ा करालपुरा में ऐसा ही दिलदोज वाकया आज दोपहर के बाद यही सामने आया। वहां पर भी एक ट्यूबवेल में पांच शख्स गिर गए, जिनमें से दो की मौत वाकया हुई और तीन जो है उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। ये मैं वाकया बता रहा हूँ करालपुरा कुपवाड़ा का। और इसी बीच इससे पहले जो है गटीपुरा खान साहब बड़गाम में ऐसा ही वाकया सामने पेश आया। लेकिन मैं आपको बता दूं ये कश्मीर में ऐसा कोई पहली बार ऐसा हादसा नहीं हुआ। इससे पहले अगर हम पिछले महीने की बात करें, कुलगाम के इलाके में भी ऐसे ही दो लेबर्स, वो उनको भी ऐसी स्लिप हुई जब वो ट्रेंच में गिर गए और जिसकी वजह से उनकी मौत वाकया हुई। ये अभी आप बराह रास्त गटीपुरा खान साहब बड़गाम से देख रहे हैं, जहां पर तीन शख्स एक बोरवेल में गिर चुके हैं। अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन ऑन है, जैसे आप ये मनाजर देख सकते हैं, और अभी तक कोई ऐसी पॉजिटिव सिग्निफिकेंस सामने नहीं आई जहां पर कोई रेस्क्यू किया गया। एसडीआरएफ का जो अमला है, वो एसडीआरएफ का अमला जो है वो कंटिन्यूसली इस टाइम पर रेस्क्यू ऑपरेशन में ऑन है। हालांकि यहाँ पर कुछ लोकल से हमने बात की, उनका ये कहना था कि हम खुद ही ये रेस्क्यू करना चाहते थे, हम खुद ही जाना चाहते, क्योंकि उनका ये कहना है कि उनकी महारत है इसमें ऐसे कुएं खोदने में, लेकिन पुलिस और एसडीआरएफ ने उन्हें कोई इजाजत नहीं दी। और यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है अभी जारी है। हालांकि शाम का वक्त है, अगर हम मौसम के एतबार से बात करें, अभी हल्की सी बूंदाबांदी भी हो रही थी, लेकिन अभी जैसे यहाँ पर डॉक्टर्स भी आप देख सकते हैं विजुअल्स में, पूरा इवैक्यूएशन का प्लान जो है। हाँ, अभी जैसे मैं बता दूं ये रिपोर्ट्स भी हमें मिली, जहां पर जब यहाँ पर एसडीआरएफ का एक इवैक्यूएशन ऑपरेशन चला, रेस्क्यू ऑपरेशन चला, तो जो एसडीआरएफ का जो पर्सनल थे एक, जो वो गए थे नीचे, तो जब वो वापस आए तो वो भी बेहोश हो गए। उन लोगों का ये कहना यहाँ पे कि जब भी आप नीचे ज्यादा जाते हैं, एक नॉर्मल इंसान को एक सफोकेशन होती है, लेकिन लोकल्स का यहाँ पर मानना है कि वो एक्सकेवेशन या खुदाई जो करते हैं वो उसमें उनकी महारत है और वो चाहते थे कि वो खुद ही रेस्क्यू करें, लेकिन पुलिस और एसडीआरएफ की तरफ से उन्हें कोई इजाजत नहीं मिली। ये मनाजर आप बराए रास्त आप गटीपुरा खान साहब बड़गाम से आप देख रहे हैं, और यहाँ पर जो है तीन शख्स इस ट्यूबवेल में गिर चुके हैं। पहले एक की स्लिप हुई और उसको बचाने के फॉलोअप में ही दो शख्स के और जो थे वो इस के साथ बचाने के एवज में के एफर्ट में वो भी इस कुएं में जो है गिर चुके हैं। हर सो मातम छाया हुआ है हर जगह से, ये डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में इलाका पड़ता है, अभी जैसे देख सकते हैं। हालांकि जो वेदर है अभी वो भी फेवरेबल नहीं है, बारिश यहाँ पर स्टार्ट हुई है। अभी क्या रहेगा एसडीआरएफ का प्लान, अभी हम कोशिश भी करेंगे कि हम एसडीआरएफ से भी बात करें, और जो पुलिस पर्सनल है जो यहाँ पर, उनका क्या प्लान है, रेस्क्यू प्लान कैसे क्या रहेगा, इवैक्यूएशन प्लान कैसे क्या रहेगा। अभी आप जैसे देख सकते हैं मनाजर में लोग इतना अगम गुस्से में है और यहाँ पर मायूसी भी छाई है कि वो पूरी तरीके से इसी जो एरिया जहां पर ये वाकया हुआ बिल्कुल उसको कवर किए हुए हैं। वहीं पर एसडीआरएफ की टीम्स भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुसलसल जारी है। किस ऑपरेशन में कितना क्या टाइम लगेगा इसके बारे में अभी कोई खबर नहीं है, लेकिन एफर्ट्स जारी है। अभी रेस्क्यू के एसडीआरएफ की तरफ से जो एक पर्सन अभी नीचे गए थे तो वो भी थोड़ा सा अनकॉन्शियस हुए थे जब वो उनको बाहर वापस निकाला गया था। तो कुल मिला के अभी जो सिचुएशन है, जो तीन जो अभी शख्स इसमें रहे हैं। Thank you.
जो तीन शख्स इसमें गए हैं अभी तक जो है उनका कोई अता पता नहीं है और सो मातम चाहे। हालांकि खबर हमारे पास ये पहुंची है ये तीनों जो है नौजवान है, यंग एज के तीनों बच्चे हैं, जिसमें से एक मैरिड है और दो अनमैरिड है। कुल मिला के ये जो है एक हरसो मातम छाया हुआ है। तीन शख्स जो है यहाँ पर इस बोरवेल में गिर चुके हैं। अभी तक इस एक बजे के करीब ये वाकया हुआ है, शाम के इस टाइम पे करीबन 5 बजे हैं, लेकिन अभी तक तो कोई जो है कोई रिस्पांस नहीं है, कोई पॉजिटिव सिग्निफिकेंस पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं है इस चीज को लेकर कि उनकी हालत कैसी है। और ये भी मैं आपको बता दूं, जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि गटीपोरा खान साहब बड़गाम की बात करो, वहीं पर आज नॉर्थ कश्मीर करालपुरा कुपवाड़ा की बात करो, वहां पर भी ऐसा ही एक वाकया जो है सामने आया, जहां पर 5 शख्स जो है बोरवेल में गिर गए और जिसमें से 2 की मौत वाकया हुई और 3 जो है जख्मी हुए। अभी यहां पर कुछ सामने जो है एक यहाँ पर कुछ लोकल्स जो है वो चाह रहे हैं शायद गालिबन ये वहां पर वो चाहते हैं कि वो खुद ही जाना चाहते हैं। ये जैसे आप देख सकते हैं इन मनाजिर में वो कोशिश कर रहे हैं बट प्लीज रेस्ट्रेन कर रही है उनको कि वो ना ऐसी ऐसी कोई एफर्ट करें जिससे और भी किसी की जान जो है रिस्क में पड़ सकती है। SDRF और पुलिस वहां पर यहाँ पर लोग जो है काफी ज्यादा नाराज है, वो चाहते हैं कि वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द से जल्द अंजाम दिया जाए और ताकि ये जो 3 शख्स है ये सही सलामत बाहर आ जाए। उम्मीद यही की जा रही है और हम भी यही उम्मीद करेंगे कि वो तीनों सही सलामत बाहर वापस आ जाए और हम भी जो है इसी के ही खैर ख्वाह रहेंगे कि वो तीनों सही सलामत अपने फैमिली के साथ जो है वापस रीयूनाइट हो जाए और हंसी खुशी। लेकिन लोगों में यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं एक फेयर एक एंगर है, वो चाहते हैं कि वो खुद से ही ये रेस्क्यू करें क्योंकि उनका ये कहना है कि उनमें ये एक्सपर्टाइज है कि वो ऐसे कुएं जो है खोदते हैं। लेकिन इस बीच थोड़ी सी यहाँ पर जो है तहसील है, यहाँ पर लोगों में वो इस बात को का इजहार कर रहे हैं कि वो खुद ही इसमें जाना चाहते हैं और वो खुद ही इनको निकालना चाहते हैं। अभी देखते हैं यहाँ पर जो है पुलिस और SDRF इसी इस जगह पे मौजूद है और वो नहीं अलाउ कर रहे किसी भी लोकल को कि वो आगे आ जाए इस जगह पे। ये जैसे ये यहाँ पर एक सिचुएशन कैसे अभी अनफोल्ड यहाँ पर हो रही है। लोकल्स जो है यहाँ पर दे आर नॉट रेडी टू लिसन। ये मनाजर आप जैसे देख सकते हैं खान साहिब बड़गाम गटीपोरा में, ये काफी ये मनाजर जैसे आप देख सकते हैं लोगों में काफी ज्यादा गम गुस्सा ये जैसे आप देख सकते हैं आखिर पुलिस के उमर पकड़ो फोन यहाँ पर ये मनाजिर जो आप देख सकते हैं सीधे से पकड़ो फोन। यहाँ पर पुलिस ने डिस्पर्स क्राउड को डिस्पर्स करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। सिचुएशन हल्की सी यहाँ पर एस्केलेट होती है, सिचुएशन यहाँ पर हल्की सी एस्केलेट हो रही होते हुए पुलिस अलाउ नहीं कर रही है किसी को यहाँ पे। सिचुएशंस देख सकते हैं आप अनफोल्ड कैसे हो रहे हैं, अगले सीन्स वहां पर अनफोल्ड हो रहे हैं कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन में यहाँ पर सिचुएशंस यहाँ पर अनटुवर्ड्स जो है यहाँ पर अनफोल्ड हो रही है सिचुएशंस। रेस्क्यू ऑपरेशन जो यहाँ पर गटीपोरा बड़गाम में जो चल रहा है साफ करना है।
इससे पहले भी